खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से। देवरिया जनपद की पुलिस ने आज खुलासा करते हुए टप्पेबाजी कर उड़ाए गए 10 लाख रुपए बरामद कर लिए और साथ ही एक नाबालिग अपराधी को भी गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर ये रुपए बरामद हुए। आपको बता दें कि विगत 9 मई को थाना कोतवाली के राजकीय इंटर कॉलेज के सामने टप्पेबाजों ने गोरखपुर के व्यवसायी अमित गोयल की कार से 30 लाख रुपए उड़ा दिए थे। कार में रुपयों से भरा बैग रखा हुआ था, जिसको झांसा देकर टप्पेबाजों ने पूरा बैग लेकर फरार हो गए। मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की और उसी कड़ी में पुलिस ने मुंबई से एक नाबालिग अपराधी को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर गोरखपुर से 10 लाख रुपए बरामद किए गए। ये गिरोह शहरों में घूमकर ऐसे ही घटनाओं को अंजाम देता है। वहीं इस घटना के बाद व्यवसायी ने देवरिया पुलिस को धन्यवाद दिया कि उनका रुपया बरामद हुआ है। 9 मई को दिन में देवरिया जनपद में GIC के पास में ये घटना हुई थी, जिसमें गोरखपुर के एक व्यापारी वो अपना बिजनेस के सिलसिले में एक रुपयों से भरा हुआ बैग लेकर अपनी 4-व्हीलर गाड़ी में इस तरफ आए थे और वो किसी से मिलने अपने किसी काम से चले गए थे। जो ड्राइवर गाड़ी में बैठा था उसको ज़मीन पर कुछ 200-300 रुपये गिरे हुए बताकर और इस तरह से चकमा देकर तो गाड़ी में जो रुपयों से भरा हुआ बैग रखा हुआ था वो चोरी कर लिया गया था। इस घटना को वर्कआउट करने के लिए 3 टीमें हम लोगों की तरफ से बनाई गई थी और जो SOG की हमारी टीम है और थाना पुलिस की टीम है, सब लोगों ने मिलकर इस घटना को सक्सेसफुली वर्कआउट कर लिया गया। इसमें जो गैंग है वो इंटर स्टेट एक गैंग जो है पकड़ा गया है, जिसमें एक बाल अपचारी हम लोगों ने जो जुवेनाइल उसको अरेस्ट किया है और उसी की निशानदेही पर 10 लाख रुपए जो रकम गई थी वो हम लोगों ने बरामद की है और जो बैग गया था वो भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। बाकी जो पूरा गैंग है उस पर भी हम लोग का काम चल रहा है और जल्दी ही बाकी लोगों की गिरफ्तारी भी हम लोगों द्वारा कर ली जाएगी। कहाँ के रहने वाले हैं ये जो गैंग है? ये मूलतः महाराष्ट्र का फिलहाल रहने वाला है, मगर ये अपना जो रहने की जगह है वो बराबर बदलते रहते हैं। मूल रूप से कुछ लोग इसमें से तमिलनाडु के रहने वाले हैं और बाकी लोग महाराष्ट्र में ये लोग रहते हैं। मॉडस ऑपरेंडी इन लोगों का जितनी भी जगह इन्होंने घटनाएं की है, अभी हाल ही में गोरखपुर में भी इन लोगों ने इसी तरह की घटना की थी, जिसमें जमीन पर जो 200-300 रुपए कुछ गिराकर और फिर जो ध्यान भटका कर ये जो साथ में जो बैग होता है उसको गायब कर लेते हैं। सभी जगहों पर इन्होंने इसी मॉडस ऑपरेंडी से घटनाएं की। नए तरह के अपराधी नहीं, ये अभी तक इन लोगों के आपराधिक इतिहास की भी हम लोग जाँच कर रहे हैं तो कुछ लोगों पर कुछ अपराध निकल के आया है, मगर इसकी पूरी विस्तृत जाँच चल रही है। अभी तक जो हम लोगों के पास हमारी घटना में नाम आए हैं कुल मिला के 5 हैं, जिनमें से एक जुवेनाइल हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है, बाकी 4 लोग अभी बचे। चिन्हित कैसे करते हैं? देखिए, चिन्हित का ऐसा है कुछ केसेस में इन लोगों ने अपना रेकी करके काम किया है, बाकी नॉर्मली ये है कि हाव भाव देखकर और उसका देखकर उनको जिनको लगता है कि इनके बैग में या कुछ वैल्यूएबल चीज हो सकती है उसको ये लोग गायब कर। कितने पैसे की टप्पेबाजी हुई थी, क्या था पूरा? ये भैया 30-35 लाख रुपए का अमाउंट था जो है, जो टोटल टप्पेबाजी हुआ था जो है। 9 तारीख की घटना है ये, 9 मई की जो है। आज क्या रिकवरी हुई है? रिकवरी जो है जैसा कि SP साहब ने हमको बताया, 10 लाख रुपए की रिकवरी हुई है उसमें। देखा था टप्पेबाजी के पैसे नहीं वसूले नहीं होते हैं। बिल्कुल, इस चीज़ में तो देवरिया पुलिस का बहुत ही बड़ा ये जो है अचीवमेंट है कि उन्होंने इतनी मेहनत से और किस तरीके से ये जो अचीवमेंट किया है, ये तो काबिले तारीफ़ है जो है, और इस चीज़ के लिए हम तहे दिल से इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं जो है। घटना कैसे होती उस दिन? घटना जैसे हम कुछ तगादा करके पैसा जो है बिहार से आ रहा था, कई जगह का पैसा था जो है, और यहाँ पे मुलाकात करनी थी कोतवाली के सामने हमको किसी से, तो उस समय गाड़ी को खड़ी करा गया, गाड़ी के अंदर ड्राइवर बैठा हुआ था, तो ये जो गैंग के लोग थे इन्होंने जैसे भी आइडेंटिफाई करा तो कुछ पैसा इन्होंने गिरा के जो है ड्राइवर को नीचे उतार दिया जो है, और दूसरी तरफ से कोई टप्पेबाज जो है वो बैग जो है पैसे का निकाल के ले गया। कहाँ से आ रहा था पैसा? पैसा ये हमारा मतलब 3-4 जगह का कलेक्शन था, मेनली जो है बघा और उसके आगे का पैसा था जो है। देवरिया से ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।